नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। हम सबको पता है कि एक झंडा लहराया गया नेक्स्ट टू तिरंगा ऑन लाल किला ऑन गणतंत्र दिवस, जो बहुत ज्यादा शर्मनाक था। टेलीविजन न्यूज चैनल्स, राइट विंगर्स, लेफ्ट विंगर्स डिबेट करना चाहते हैं कि वो खालिस्तानी फ्लैग था या धार्मिक फ्लैग था। मुझे इस डिबेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात से गुस्सा है कि एक झंडा क्यों लहराया गया नेक्स्ट टू तिरंगा ऑन लाल किला ऑन गणतंत्र दिवस, विच वॉज कंप्लीटली डेरोगेटरी एंड शेमफुल, बिकॉज पूरी दुनिया को पता चल गया कि भारत के गणतंत्र दिवस पर ऐसा ड्रामा हुआ। अब एक वीडियो मैंने देखा, इस वीडियो के अंदर राजदीप सरदेसाई, जी हाँ, द सो कॉल्ड रेसिपिएंट ऑफ मैग्सेसे अवार्ड, उनका कहना है कि उन्होंने एक किसान नवनीत जिनकी मौत हुई उनका बॉडी देखा और उसको देखकर उन्होंने देखा अपनी आंखों से कि उनके सर के ऊपर गोली का निशान था। सो ही इज ऑब्वियसली सेइंग दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फायर्ड ऑन नवनीत किसान एंड दैट इज वाई ही डाइड। अब ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा क्रिमिनल स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां पर अगर उनका स्टेटमेंट गलत है देन ही इज ऑब्वियसली मेकिंग अ फेक एलिगेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बिकॉज ऑफ दीज फेक एलिगेशंस द फार्मर्स कुड हैव बीन यू नो प्रोवोक्ड एंड वो जो ड्रामा हुआ 26 जनवरी 2021 को वो ऑब्वियसली इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे हो सकता है, बिकॉज यहां पर वो कह रहे हैं कि किसान गुस्से में थे। क्यों? क्योंकि नवनीत किसान को गोली मारी गई सर के ऊपर। क्या राजदीप सरदेसाई ने अपनी आंखों से नवनीत किसान का चेहरा देखा? बिकॉज अगर उन्होंने नहीं देखा और उसके बावजूद वो ऐसा झूठ फैला रहे, देन ही इज स्प्रेडिंग फेक न्यूज इंटेंशनली एंड वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज अ वेरी वेरी बिग क्राइम। क्योंकि जब मोतीलाल नेहरू के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, तब मेरे ऊपर आरोप लगाया था कांग्रेस ने कि भैया मेरे वीडियो से कम्युनल वायलेंस हो सकती है। एक्सक्यूज मी, मेरे तो वो मोतीलाल नेहरू के वीडियो को लोगों ने देखा भी नहीं। जब आप लोगों ने ये ड्रामा किया मुझे अरेस्ट करने का, उसके बाद शायद लोगों ने वो वीडियो को देखा होगा, तो मेरे वीडियो से तो कोई कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ। मगर राजदीप सरदेसाई की क्लेम से ऑब्वियसली कम्युनल वायलेंस हो सकता है, जो हुआ ऑन 26 जनवरी 2021 एट रेड फोर्ट। तो यहां पर राजदीप सरदेसाई नीड्स टू बी इंट्रोगेटेड, क्योंकि एडीजी जो बरेली रामपुर यूपी के हैं उनका कहना है कि नवनीत किसान की मौत ऐसे गनशॉट से नहीं हुई, उनकी मौत इसलिए हुई क्योंकि उनका ट्रैक्टर ओवरटर्न हो गया। नाउ दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट एंड द पुलिस डज नॉट नीड टू लाई। तो राजदीप सरदेसाई ने क्या जानबूझ के एक फेक न्यूज फैलाई? क्योंकि अगर उन्होंने उसका चेहरा देखा देन ऑब्वियसली ही इज राइट, और अगर उन्होंने वो किसान का चेहरा देखे बिना ये न्यूज इंटरव्यू में दी है कि एक्सक्यूज मी एक किसान के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा गनशॉट हुई है, देन दैट इज अ फेक न्यूज एंड दैट इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू क्रिएट कम्युनल वायलेंस विच हैपेंड ऑन 26 जनवरी 2021 एट रेड फोर्ट। सो राजदीप सरदेसाई नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, FIR दर्ज करिए उसके खिलाफ। लेट अस नो द ट्रुथ ऑफ द डेथ ऑफ नवनीत किसान। साथ साथ में अर्नब ने अपने 16 साल के इनकम और एक्सपेंडिचर के सारे पेपर्स आई थिंक पब्लिक डोमेन में रख दिए हैं, सो ऑब्वियसली ही हैज नथिंग टू हाइड बिकॉज आई डोंट थिंक ही इज अ बैड पर्सन। मगर क्या राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, ये शेखर गुप्ता टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के पेपर्स रख सकते हैं पब्लिक डोमेन में? क्योंकि इनके ऊपर आरोप है फॉर ऑब्वियसली गेटिंग फंडिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज टू स्प्रेड हेट्रेड इन इंडिया अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं ऑब्वियसली ये सब फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में रखना चाहती हूं, क्योंकि पायल रोहतगी के मोतीलाल नेहरू के वीडियो से कोई कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ, मगर राजदीप सरदेसाई के इस बयान से शायद कम्युनल वायलेंस इंस्टिगेट किया गया रेड फोर्ट पर। नमस्ते, जय हिंद।